हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स शो में। हम बदलते हैं आपकी सोच, हम बदलते हैं आपका नजरिया, हम निकालते हैं डर आपके मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट नंबर्स, इक्वेशंस, कॉम्पिटिशंस और अल्गोरिदम्स। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। हमारे नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। नमस्ते फ्रेंड्स, टुडे we are going to take a test of similarity। similarity की टेस्ट हम लेने वाले हैं, जिसके वजह से कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है हम बता पाएंगे। we can identify the which triangles are similar। so for the similarity this test are very important। We are taking a SAS test, side angle side test, जिसके वजह से हम ट्रायंगल जो है ये सिमिलर जो है बता पाएंगे। In case of SAS test of similarity, we are in need of टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हमको क्या दो प्रकार के ट्रायंगल जो है ये चाहिए। फॉर अ गिवन वन टू वन करस्पोंडेंस बिटवीन द वर्टाइसेस ऑफ टू ट्रायंगल्स, इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पोंडिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द एंगल इंक्लूडिंग बाय देम आर कॉन्ग्रुएंट, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो ट्रायंगल कब रहेंगे सिमिलर? कि जब दो साइड जो है ये प्रोपोर्शन में रहेंगी और उसके बीच वाला जो एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा। नाउ यू टेक अ सम अदर एग्जांपल। हियर वी आर टेकिंग अ टू ट्रायंगल्स ऑफ नेमिंग ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। How are these are in the one one correspondence, under the correspondence of ABC and PQR। By using this test, how will you show the two triangles are similar? Here we have given the measurements, AB is equal to 2, PQ is equal to 5, BC is equal to 6, क्यू आर इज इक्वल टू 15। इसमें देखिए ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू ये कितना है 2/5। बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर देखिए ये है 6/15, लेकिन रिड्यूस करने के बाद में कितना आ जाएगा ये 2/5 आ जाएगा। उसके बाद में उसके बीच वाला एंगल देखिए, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल क्यू, मीन्स दो साइड के बीच वाला एंगल जो है ये कैसा है, ये कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट से ये सिमिलर है। नाउ यू टेक अनदर टाइप ऑफ द टेस्ट व्हिच इज साइड साइड एंड साइड टेस्ट, is and is test। By using this test you can identify that the which triangles are similar। It is also very useful test in identifying the triangles which are similar। Now we are seeing the सम टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल जो है हम क्या देख रहे हैं। फॉर अ गिवन वन टू वन करस्पोंडेंस बिटवीन द
vertices of two triangles. If three sides of one triangle are proportional to the three sides of the other triangle, then two triangles are similar. तीनों भी साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों भी साइड के साथ में यदि प्रोपोर्शन में रहती है, देन वी कैन अप्लाई दिस टाइप ऑफ टेस्ट व्हिच इज नथिंग बट एसएसएस टेस्ट। आपको यहाँ दिखाई दे रहे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे एबीसी और एलिमेंट, उनकी साइड कैसी है, ये साइड है उनकी प्रोपोर्शन में है। और ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए हमको दो प्रकार के ट्रायंगल चाहिए। नाउ यू टेक द अनदर एग्जांपल, वी आर टेकिंग अ टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हम क्या दो प्रकार के ट्रायंगल ले रहे ए बी सी एंड अनदर इज एलिमेंट। एंड देयर मेजरमेंट्स आर आल्सो गिवन, उनके मेजरमेंट भी दिए हमको, ए बी इज इक्वल टू 3, ए सी इज इक्वल टू 4 एंड बी सी इज इक्वल टू 5। हियर एल एम इज इक्वल टू 15, एल एम इज एल एन इज इक्वल टू 20 एंड एम एन इज इक्वल टू 10। अभी उनकी जो साइड जो है देखिए, ए बी डिवाइडेड बाय एल एम, ए सी डिवाइडेड बाय एल एम, बी सी डिवाइडेड बाय एम एन, ये रेशो जो है, ये रेशो कैसा आएगा, हर बार 1/5 आएगा। सो वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी टू शो द सिमिलर ट्रायंगल। नाउ अनदर टाइप ऑफ टेस्ट दैट वी आर टेकिंग इज द एंगल 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 टेस्ट। कैसी है ये एंगल 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 टेस्ट, मीन्स ए ए ए टेस्ट। बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ टेस्ट वी कैन शो द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसके लिए भी हमको दो ट्रायंगल की आवश्यकता होती है। नाउ वी आर टेकिंग हियर अ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जो है हम क्या यहाँ ले रहे हैं। दिस इज वन ट्रायंगल एंड दिस इज द अनदर ट्रायंगल हुज नेम्स आर गिवन हियर, दैट इज द एक्स वाई एंड जेड एंड ए बी एंड सी। इसमें भी वैसा ही है, इसके तीनों भी एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के साथ में यदि कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो ये ट्रायंगल जो है ये सिमिलर रहता है। नाउ यू टेक द अनदर एग्जांपल ऑफ दिस टेस्ट, हियर देर आर द टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल यहाँ निकाले है एंड हुज नेम्स आर गिवन हियर एक्स वाई जेड एंड ए बी सी। इसमें देखिए अभी तीनों भी वर्टाइसेस एक ट्रायंगल के और दूसरे ट्रायंगल के, इसमें आपको पता लगेगा कि एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल ए, एंगल वाई इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल बी एंड एंगल जेड इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल सी। सो बाय ए ए टेस्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल जो है और दूसरा ट्रायंगल दोनों के भी एंगल जो है, तीनों भी एंगल ये क्या कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। नाउ वी आर टेकिंग अनदर टाइप ऑफ द टेस्ट दैट इज द ए ए टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट व्हिच इज नियर अबाउट ए ए ए टेस्ट। ए ए टेस्ट जैसी ही ये टेस्ट है, ट्रिपल ए टेस्ट जैसी ही है ये। सो फॉर दैट आल्सो वी आर इन नीड ऑफ टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हमको दो प्रकार के ट्रायंगल चाहिए।
इसमें क्या रहता है, एक ट्रायंगल के दो एंगल और दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल, ये दोनों भी एंगल कैसे रहते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। एक्स वाई जेड आर द वर्टाइसेस ऑफ वन ट्रायंगल एंड ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ अनदर ट्रायंगल। सो टू वर्टाइसेस ऑफ वन ट्रायंगल दैट आर कॉन्ग्रुएंट विद द टू वर्टाइसेस ऑफ अनदर ट्रायंगल मीन्स इन टर्म्स ऑफ एंगल। Now you take the another example related with AA test. Here we are drawing two types of triangle. दो प्रकार के triangle हम निकाल रहे और हमको मालूम नहीं है कि ये वाले जो दो triangle है ये similar है कि नहीं है। And which are these triangle? A, B, C is the name of the one triangle. And P, Q, R is the name of the other triangle. In that, angle A, you see the angle A. Angle A is congruent with angle P. Angle B is congruent with angle Q. So by AA test, triangle ABC is similar to the triangle PQR. In this way, you can show the triangles similar. हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन और द क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू गिव अ आंसर टू यू। थैंक यू वेरी मच।